हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अंबेडकर नगर जिला के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंबेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। इस जिले की स्थापना 21 सितम्बर 1995 को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा किया गया था और इस जिले का नाम भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर रखा गया है। अंबेडकर नगर जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस अकबरपुर शहर में मौजूद है और अंबेडकर नगर जिला अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। ये वही अंबेडकर नगर जिला है जहां पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी व राजनीतिक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। लगभग 2350 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अंबेडकर नगर जिला की कुल आबादी 23,97,000 है। इस 23,97,000 में 12,12,000 पुरुष तथा 11,85,000 महिलाएं मौजूद हैं। तमसा नदी अंबेडकर नगर जिला की मुख्य नदी है। तमसा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 12 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 546 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन के दृष्टिकोण से अंबेडकर नगर जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 232 और नेशनल हाईवे संख्या 233 गुजरती है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा अकबरपुर बस स्टैंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो अंबेडकर नगर जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अकबरपुर रेलवे जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड ABP है और अकबरपुर जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 7 ट्रैक मौजूद है और यह जंक्शन वाराणसी जौनपुर अयोध्या कैंट लाइन, अकबरपुर टांडा लाइन पर स्थित है और नॉर्थ रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आता है। अकबरपुर जंक्शन के माध्यम से फरका एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, वरेली एक्सप्रेस, धून एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर 3, वायु मार्ग। वायु मार्ग की बात करें तो इस जिला में कोई भी वायु मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट लखनऊ का है, जहाँ से देश विदेश के लिए उड़ाने होती है। दोस्तों, अंबेडकर नगर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहां पर लोग घूमकर आनंद उड़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से खास घूमने के स्थान है जो कि अंबेडकर नगर जिला में मौजूद है। नंबर 1, गोविंद शाह धाम। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के सीमा पर स्थित गोविंद शाह धाम आस्था का एक केंद्र है। यहाँ पर हर साल 1 माह का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन यहाँ पर गोविंद शाह धाम पर खिचड़ी चढ़ाने से सारी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है विजयदशमी के दिन यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिला में 5 तहसील मौजूद है, अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, भिंटी और आलापुर। इसके अलावा जिला में 2 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 नगर पालिका, 19 पुलिस स्टेशन और 2 मुख्य अस्पताल और 1757 गांव मौजूद हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।